फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लैम हब। मेरी आज की वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो है हेयर फॉल के बारे में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इस रेमेडी को यूज़ करके आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी दूर होगी और साथ ही साथ आपके हेयर और भी ब्लैक एंड शाइनी बनेगी और प्री मेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए हमें चाहिए एक अनियन और 10 से 12 भृंगराज के लिप्स। भृंगराज के पौधा थोड़े मॉइस्चर जगह पे आसानी से मिल जाता है। इसका लिप्स थोड़ा रफ होता है। इसमें एक वाइट कलर के फ्लावर होता है जिसके वजह से इसे वाइट भृंगराज कहते हैं। जब ये फूल थोड़ा पक जाता है तो वो कुछ ऐसे दिखने लगता है और इसे एक्लिप्टा एल्बा भी कहते हैं। आयुर्वेद में इस पौधे को हेयर के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। अब एक प्याज को अच्छे से छील लीजिए। अब इसको पीसेस में काट लीजिए। भृंगराज को ब्लेंड करने से पहले इसे धो लीजिए। इसके बाद एक ब्लेंडर में भृंगराज और ऑनियन डालिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। अब इस ब्लेंडेड भृंगराज और ऑनियन को एक स्ट्रेनर में डालिए और इससे इसका जूस निकाल लीजिए एक बोल में। अब ये सोल्यूशन अप्लाई करने के लिए रेडी है। इसका कलर कुछ ग्रीनिश ब्लैक सा है। अब एक कॉटन बॉल को इस सोल्यूशन में डिप कीजिए। इसको थोड़ा निचोड़ लीजिए। अब जेंटली अपने स्कैल्प में अप्लाई कीजिए। इस सोल्यूशन को अप्लाई करने से पहले मैंने पिछले रात को ही अपने हेयर में ऑयलिंग किया था। आप चाहो तो हेयर ऑयलिंग कर सकते हो। भृंगराज हेयर लॉस और गंजापन से रोकता है और हमारे हेयर को थिक बनाता है। एंशियंट टाइम से भृंगराज को एज ए हेयर डाइ के रूप में प्रयोग किया जाता था। भृंगराज प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग को रोकता है और हेयर को ब्लैक एंड शाइनी बनाता है। अनियन में अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है। सल्फर न्यू हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हेयर लॉस को रोकता है और हेयर में वॉल्यूम ऐड करता है। ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है वाइटामिन B6, कॉपर, मैंगनीज, वाइटामिन सी, पोटेशियम आदि वाइटामिन्स और मिनरल्स के। इस सॉल्यूशन को अप्लाई करने के बाद जेंटली 2 से 3 मिनट तक अपने स्कैल्प को हल्के हाथ से मसाज कीजिए। मसाज करने से स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। इस सॉल्यूशन को ऐसे ही अपने स्कैल्प में 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। बेहतर रिजल्ट के लिए इस सॉल्यूशन को हफ्ते में 2 से 3 दिन तक अप्लाई कीजिए। आपको 1 महीने के बाद इसका रिजल्ट दिखने लग जाएगा। 1 घंटे होने के बाद अपने हेयर को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। इससे प्याज के स्मेल चला जाएगा। इस रेमेडी को यूज़ करने से हैंड्स थोड़े काले पड़ जाते हैं, तो हैंड वॉश में थोड़ा सा नींबू डाल के वॉश कीजिए। हैंड्स का कालापन दूर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी हेल्प हो और वो भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम से राहत पा सके। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ग्लैम हब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस राउंड इमेज पे क्लिक कीजिए और मेरे और भी डिफरेंट एंड यूनिक वीडियोस को देखने के लिए इन वीडियोस पे क्लिक कीजिए। आप वीडियोस तक पहुंच जाएंगे।